हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाक जेलों में बंद भारतीयों की रिहाई के मांग के लिए शुरू हुआ आंदोलन। जयपुर के गजानन शर्मा की पाक जेल से रिहाई के बाद पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के सीमांत से सटे चौटन के धनाव गांव के निवासी भगु सिंह और अन्य तीन लोगों की रिहाई की मांग के लिए अब आंदोलन शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि भगु सिंह और अन्य तीन सन 1986 में सीमावर्ती इलाकों में पशु चराने के दौरान भारत पाक सीमा को क्रॉस कर पाक सीमा में चले गए थे, जिसके बाद से ही इन लोगों का कोई पता नहीं है। वहीं इन चार लोगों के परिजनों द्वारा बाड़मेर जिला कलेक्टर के माध्यम से कई बार ज्ञापन प्रस्तुत कर राज्य और केंद्र सरकार से गुमशुदा लोगों की तलाश कर रिहाई करने की मांग की गई थी, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मामले को लेकर अखिल राजस्थान रावड़ा राजपूत महासभा के सैकड़ों लोगों द्वारा बाड़मेर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान गृह मंत्री और बाड़मेर सांसद के नाम ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि चारों भारतीय नागरिक पाकिस्तान में किस स्थिति में है, इस बात की पुष्टि कर इन्हें भारत वापसी के लिए उचित कार्यवाही करवाई जाए। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि भारत पाक सीमा पर पूर्व में तारबंदी ना होने के कारण पशुओं को चराने वाले अनजाने में पशुओं के पीछे पीछे बॉर्डर पार कर चले जाते हैं और पाक सैनिकों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि बॉर्डर क्रॉस करने वाले इन युवकों को शक की बुनियाद पर कैदी बना दिया गया है। वहीं पाक की जेलों में उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी दी जा रही है। ज्ञापन में उन्हें भारत सरकार से मांग की है कि 1986 में धनाऊ तहसील चौहटन से भगु सिंह जाति रावणा राजपूत बांदा रामगढ़ जैसलमेर के जमालदीन, सन 1988 में भीलो की धाणी तहसील चौहटन टीला राम से 31 मार्च 1989 में स्वरूपे के तला तहसील चौहटन से साहू राम मेघवाल आदि लापता हैं। पाकिस्तान में इनकी पुष्टि कर जल्द रिहाई की मांग अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा द्वारा की गई है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।